तो दोस्तों आप देखोगे फिल्म स्त्री टू, जिसमें जो है राजकुमार राव यहाँ पे बैठे होते हैं, पीछे की विंडो वगैरह भी मैच करा सकते हो। तो दोस्तों स्त्री टू देखा होगा, बाकी जब सारे स्टार्टिंग होती है नहीं। तो सबसे पहले जो स्त्री होती है ना, इस जगह पे खड़ी होती है यहाँ से, ये इसी को दिखाया गया है स्त्री टू फिल्म में। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, 2018 में एक फिल्म आई थी स्त्री, और वही 2024 में आई स्त्री टू, सरकट्टे का आतंक। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ स्त्री फर्स्ट और सेकंड की शूटिंग लोकेशन, जो कि मध्य प्रदेश राज्य के अशोक नगर जो जिला है उसके अंदर एक गांव है, जिसका नाम कस्बा बोल सकते हैं, चंदेरी। उसी चंदेरी में शूट किया गया है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें 2018 में जो कलाकार थे उनके नाम है राजकुमार राव, नोरा फतेही, पंकज त्रिपाठी, अपार शक्ति खुराना और श्रद्धा कपूर जैसे दिग्गज कलाकार इस फिल्म में थे। और वही जो दिग्गज कलाकार थे वो स्त्री टू में भी हैं। हालांकि स्त्री टू में कुछ कलाकार ज़्यादा आ चुके हैं, जैसे कि हमारी तमन्ना भाटिया भी आ चुकी हैं। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ स्त्री फिल्म की पूरी शूटिंग लोकेशन दिखाऊंगा। और स्त्री फर्स्ट का गाना बहुत ही पॉपुलर हुआ था, आओ कभी हवेली पे, और स्त्री टू का भी गाना बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, क्योंकि टिकटॉक उस समय था और इस समय इंस्टाग्राम। तो बिना देरी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले आपको दिखा देता हूँ, ये सामने आप देख पा रहे हो, ये है चंदेरी का किला, जो फोर्ट है। स्त्री टू में बहुत ज़्यादा इस किले को दिखाया गया है, और जिस जगह पर हूँ इस जगह पर एक सीन भी है, एक गाना है, जिसमें जो है राजकुमार राव और जो अभिषेक बनर्जी होते हैं और अपार शक्ति खुराना जो होते हैं वो मूतते हुए नजर आते हैं एक तालाब में, वो सीन आपको दिखाऊंगा यहीं पर है। तो बिना देरी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्त्री फर्स्ट में आप देखोगे जो गाना है, गाने में जो है जब वो गाड़ी से बैठ के आते हैं तीनों दोस्त, यानी कि राजकुमार राव, अपार शक्ति खुराना और अभिषेक बनर्जी, यहाँ पे बाथरूम करते हैं, मूतते हुए नजर आएंगे, जिसमें आपको पीछे का ये जो पेड़ है ये नजर आएगी, ये रेलिंग नजर आएगी, वो किले के कुछ अवशेष हैं वो नजर आएंगे, साथ में ये जो अब बनी है बीच में ये नजर आएगा। उसके बाद गाड़ी पर बैठकर तीनों बंदे इधर ही से निकल जाते हैं, तो ये सीन आप मैच करा सकते हो, यहीं से वो सीन लिया गया है, करंट लोकेशन है, आप देख लीजिएगा। तो मित्रों अभी हम आ चुके हैं कटी घाटी पे। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हो स्त्री फर्स्ट में आप लोग देखोगे जो मैंने आपको बताया, राजकुमार राव और अभिषेक बनर्जी और जो अपार शक्ति खुराना होते हैं बाइक से आते हैं, तो कुछ ऐसा सीन होता है जिसमें आपको पीछे की ये रेलिंग्स नज़र आएंगे, इसके साथ साथ पीछे का रोड भी नज़र आएगा और ये मोड़ भी नज़र आएगा, यहीं से वो सीन फिल्माया गया है, आप देख सकते हो। और पीछे वो रहा चंदेरी का किला, आप देख सकते हो। तो दोस्तों स्त्री फर्स्ट में आप देखोगे जब लास्ट का सीन होता है, जिसमें जो है श्रद्धा कपूर होती हैं, जहाँ पर हमारे सचिन भाई और सोबित भाई बैठे हुए हैं, यहाँ पर बैठी होती है, और इस जगह पर बोर्ड लगा होता है जिसमें लिखा होता है बस स्टैंड चंदेरी। जी हाँ दोस्तों, और जो राजकुमार राव और उनके जो मित्र आते हैं गाड़ी लेके, वो इस गेट से एंटर करते हैं, इस जगह से, यहाँ से एंटर करते हैं, और फिर जो है यहीं पे बातचीत होती है। तो दोस्तों स्त्री टू फिल्म में आप देखोगे जब अनाउंसमेंट करते हुए आते हैं तो इधर से कुछ आते हैं, जिसमें आपको पीछे के ये झरोखे नज़र आएंगे, ये वाले जो द्वार, इसके साथ साथ ये पिलर आपको नज़र आएंगे, तो इधर ही से वो लेके आते हैं अनाउंसमेंट करते हुए। तो सीन यहीं का है, और सीन आपको बता देता हूँ, ये मंदिर है भाई साहब, आप देख सकते हो, श्री श्री 1008 श्री नरसिंह मंदिर चंदेरी, ये आप देख सकते हो, ये मंदिर है, उसी के सामने का ये रास्ते का सीन है, आप देख सकते हो, यहीं से सीन लिया गया है। तो दोस्तों स्त्री टू देखा होगा, जब स्टार्टिंग होती है तो सबसे पहले जो स्त्री होती है ना, इस जगह पर खड़ी होती है यहाँ से, फिर ऐसे कैमरा चलाया जाता है, ऐसे उड़ के जाती है, रात का सीन होता है, ऐसे ऐसा सीन आता है भाई। तो ये एक दरवाज़ा है, ये रास्ता किधर को गया भैया? खूनी दरवाजे किला साइड। अच्छा, खूनी दरवाजा आगे बढ़ेगा, आगे आगे फिर किला आएगा। अच्छा अच्छा, किले के लिए गया। तो स्टार्टिंग में सीन यहीं से लिया गया, आप देख सकते हो, भैया जी ने बता दिया। स्त्री टू जिसमें जो है राजकुमार राव यहाँ पे बैठे होते हैं, पीछे की विंडो वगैरह भी मैच करा सकते हो। उसके बाद जब पंकज त्रिपाठी आते हैं, उसके बाद जो है वो किस करने लगते हैं स्त्री समझ के, तो इस तरफ से कुछ सीन लिया जाता है, स्क्रीनशॉट में लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। उसके बाद जब ये बातचीत करते हैं श्रद्धा कपूर से, तो
ये सीन आपको नज़र आएगा, ये आप देख लीजिएगा, ये पीछे के ये मैच करा सकते हो। एक सीन इधर से लिया गया है जिसमें आपको सामने का वो जो दिख रहा है वो भी नज़र आएगा, ये खिड़कियाँ भी नज़र आएंगी, यहीं से वो सारे सीन लिए गए हैं। स्त्री टू में और फर्स्ट में भी यहीं के काफ़ी सारे सीन फिल्माए गए हैं, आप देख लीजिएगा, मैं मैच करा के दिखा दूंगा, सारे स्क्रीन शॉट लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। यहीं पे स्त्री टू और फर्स्ट दोनों शूट किए गए हैं, आप देख सकते हो काफ़ी प्यारा लोकेशन। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर बात करते हुए नज़र आएंगे, जिसमें आपको पीछे के पिलर्स नज़र आएंगे और यहीं पर बैठे होते श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव बातें चीतें करते। तो दोस्तों अभी स्त्री टू में एक गाना है, उस गाने का सीन भी यहीं पर लिया गया है, इसी में फिल्माया गया है, जब श्रद्धा कपूर होते हैं और यहाँ पे लाइटें वाइटें लगा देते हैं, काफ़ी प्यारा लोकेशन लगता है, तो यहीं पे वो सारे सीन लिए गए हैं, इसी में पूरा गाना होता है। ये आप देख सकते हो, ये काफ़ी सारे पिलर्स वगैरह हैं और ये सारे सीन आपको नज़र आएंगे, इसी के अंदर पूरा पूरा गाना हो जाता है। नाइट का सीन होता है तो उतना ज़्यादा, जब HD में फिल्म आ जाएगी तो जो है मैच हो जाएगा, फ़िलहाल अभी तो नहीं मैच हो रहा होगा। ये देखिए, ये देखिए भाई साहब, यहीं का सीन है पूरा, इसमें लिया जाता है। दोस्तों फिल्म के अंदर एक सीन लिया जाता है जिसमें लिखने वाला सीन होता है, वो स्त्री का लाना, तो यहाँ पे एक लड़की होती है वो बोलती है हमारे घर पर भी लिख दो, तो यहीं पे वो सीन लिया गया, इस गली को दिखाया गया, और जो लिखते हैं ना भाई साहब इस वाले यहाँ पर लिखते हैं, इस वाली दीवार पर वो स्त्री का लाना, तो यहीं पर वो सीन फिल्माया गया है, आप देख सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, राजकुमार राव का जो घर है ये इसी को दिखाया गया है स्त्री टू फिल्म में, तो काफ़ी सारे सीन हैं इस घर के, अब देखोगे तो उसमें नज़र आ जाएगा। तो यही वो घर है राजकुमार राव का, देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लगा दिया, आप मैच करा लीजिए। तो दोस्तों अभी मैं स्त्री टू के सबसे बेस्ट सीन के पास आ चुका हूँ। जी हाँ दोस्तों, जब जो है सरकटा जो है आता है, सरकटा और श्रद्धा कपूर के बीच में जब फाइट होती है, उसके बाद जो पंकज त्रिपाठी होते हैं और जो है हमारे अभिषेक बनर्जी और जो है हमारे जो है राजकुमार राव जो होते हैं वो हाथी के नीचे छिप जाते हैं, और सरकटा आता है तो यहाँ पर जो है मूर्ति टूटने वाला सीन होता है, यानी कि स्त्री की मूर्ति टूटती है, तो ये आप चबूतरा देख पा रहे हो सामने, ये यहीं पर वो पूरा सेट बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हो, अब ये सीढ़ियाँ मैच करा सकते हो, पीछे की लोकेशन आप मैच करा सकते हो। तो कुछ सीन ऐसे लिया जाता है, यहीं पर वो फाइट वाला जितना भी सीन होता है वो आता है, और एक सीन में आप देखोगे पीछे के जो मंदिर हैं ये भी नज़र आएंगे। नाइट का सीन है, यहीं पे सारा सीन फिल्माया गया था, ये देख सकते हो एक मैदान टाइप में है। एक सीन में आप देखोगे कि ऐसा सीन लिया जाता है जिसमें ये नज़र आएगा इधर का सीन, स्क्रीन शॉट मैं लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा, मैच करा लीजिएगा। यहीं का सीन सारे लिए गए हैं, और बहुत से सीन हैं जो कि इस महल में लिए गए हैं, ये रानी का महल है, यहीं पे बहुत से सीन फिल्माए गए हैं। फिलहाल ये बेहद ही पॉपुलर फिल्म की लोकेशन है जहां पर मैं पहुंचा हूं, और पीछे का जो फोर्ट है वो भी आपको दिखाई दे रहा है, पीछे ये जो मंदिर आप देख पा रहे हो ये जैन मंदिर है, और यहीं पर वो सीन फिल्माया गया था। अभी हम अंदर चलेंगे, अंदर के भी काफ़ी सारे सीन हैं, वो आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए भाई, यहाँ पे ऐसे सीन फिल्माया गया है, तो प्रॉपर तरीके से आप देखेंगे फिल्म तो आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ के सीन नज़र आएंगे, यहीं से सारे सीन लिए गए हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया स्त्री फर्स्ट और सेकंड की कुछ शूटिंग लोकेशन दिखाई, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।